कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक है वो चाइना में आया है और वहाँ से कई सारे देशों में उसका ट्रांसमिशन होता जा रहा है। हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस के केसेस आने की संभावना है, अभी तक कोई केस आया नहीं। तो एक प्रिकॉशन और तैयारी जो हमारी होनी चाहिए, प्लानिंग भी, उसके हिसाब से हमने अगर कोरोना वायरस के केसेस आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, भर्ती करने के लिए सब तरह की तैयारियां जो है यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हमने अपनी तरह से सब मुहैया करा दी। आप कुछ स्पेसिफिक तैयारियां क्या बता सकते हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा और टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी वगैरह सब? कोरोना के जो सस्पिशियस केस आएंगे तो उसको जो कॉमन कोल्ड या सर्दी या खांसी और न्यूमोनाइटिस, लंग के इन्फेक्शन, बुखार वगैरह वगैरह इत्यादि जो लक्षण उसके होते हैं, तो ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको अगर चाइना और ऐसे किसी देश के रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया है, ऐसी हिस्ट्री है, तो हमको उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और आइसोलेशन वार्ड में रखना पड़ेगा और उनके जो टेस्ट वगैरह है वो सब टेस्ट करने पड़ेंगे और जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हमको उनको देनी पड़ेगी, सपोर्टिव और एंटीबायोटिक वगैरह। तो उसके लिए हमने हमारी डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग की टीम, अदर पैरामेडिकल स्टाफ और जो आइसोलेशन वार्ड है उनमें दवाइयों का सब जत्था और जो साधन सामग्री उनमें चाहिए वो सब हमने एक सज्जता के तौर पर सब तैयार करके रखा। और अभी तक जो गुजरात में फॉरेन बाउंड जो टूरिस्ट या ट्रैवलर्स जो आए हैं, कुछ चाइना से 200 स्टूडेंट्स आए थे और ईरान से भी कुछ ट्रैवलर्स आए थे, तो उनके बारे में कोई सूचना मिली है क्या, इस तरह की कोई इंडिकेशन से कोई इन्फेक्टेड पेशेंट? नहीं, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सर्विसेज जो 24 आवर्स शुरू रहती है, उसमें आज तक जो आप बता रहे हैं ऐसा कोई पेशेंट आया नहीं। कभी एक सरकार में वो एक शंकास्पद छः कलच केस थोड़ी बार पहला आया है, सिंगापुर से आया है। नहीं, अपने पास हजी सुधी वो केस नहीं, आज आयो है तो आज तपास करेंगे, तपास करने शंकास्पद। हाँ,